अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप। आप देख रहे हैं अदीब टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज की इस वीडियो का ट्यूटोरियल है कि मेरा जो वाईफाई मैंने बोर्ड बनाया था, यानी इलेक्ट्रिकल बोर्ड जो है जहाँ पे बटन लगे हुए थे, उसको मैंने वाईफाई में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके सामान के बारे में, तो ये कब से बन गया है, लेकिन उसके बाद मैंने इसकी वीडियो वगैरह नहीं बनाई, ना मुझे टाइम मिला। तो आज मैं इसको आपके सामने टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे वाईफाई का बोर्ड मैंने यहाँ पे बटन बिल्कुल हटा दिए हैं, और यहाँ पे वाईफाई का बोर्ड है, और जो ये जो वायर जा रही है ये मेरी कंप्यूटर की वायर है। तो ये लादर से कोई नहीं है कि इसके लादर से कोई भी बटन नहीं लगा, सिर्फ इसके एक साइड पे छोटा सा बटन लगा है। अगर कोई एरर आ जाता है डिवाइस में या प्रोग्रामिंग में, तो वो जो है रिमूव, यानी कि उसको रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा बटन है ब्लैक कलर का बस, उसके अलावा इस पर कोई बटन नहीं है। तो इसको आज हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोन है, तो ये वाईफाई है, तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे वाईफाई ऑन करता हूँ। वाईफाई ऑन करते ही यहाँ पे हमारा एक जो है वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। तो उसका नाम मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है ATLAB, और आगे स्माइल फेस लगाया, आगे रूम। तो ये है, तो ये कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे अब हमारे पास ये एक ऐप है बनी बनाई, ये मिली थी मुझे, लेकिन जो मैंने खुद बनाई थी वो मुझे वाईफाई की कोडिंग समझ नहीं आई थी। मुझे आई थी ब्लूटूथ की कोडिंग समझ में आ गई थी, लेकिन ब्लूटूथ अवेलेबल नहीं था, जिस वजह से मैं ब्लूटूथ से नहीं बनाया, वरना मैं अपनी खुद की कस्टम ऐप बना सकता था। ये तो ये उनकी बनी बनाई ऐप है, मुझे मिली। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करते यहाँ पे हमारे पास ये कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ इस तरह से, ये भी मैंने खुद डिज़ाइन की है, लेकिन ये डिज़ाइन नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा सा लिखा है और बटन लगा दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास जो बल्ब ऑन है, उसके बाद कंप्यूटर ऑन है, उसके बाद स्विच ऑफ है, और पंखा ऑफ है। तो यहाँ पे मेरे पास, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैं बल्ब को ऑफ करता हूँ। ये देखें, ये हो गया बल्ब ऑफ। अब मैं बल्ब को ऑन करता हूँ। यहाँ पे ये क्लिक करके उस साइड को स्क्रॉल करना पड़ता है, ये क्लिक करे नहीं होता। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देखें, मेरा यहाँ पे मैं पंखा दिखा दूँ, ये पंखा मेरा जो है बंद है, और यहाँ पे अब मैं इसको करूँगा ऑन। ये देखें, ऑन हो गया, और ये मैंने ऑफ कर दिया। तो ये इस तरह से आप जो है अपने घर की पूरी वायरिंग को, यहाँ पे अब मैं बल्ब दोबारा बंद ऑन कर रहा हूँ, ये बंद हो गया, और इसको स्वाइप करना है यहाँ पे इस तरह से। तो ये देखें, इस तरह से हो गया। और यहाँ पे ये मैंने स्विच नहीं लगाया, यहाँ पे स्विच लगाने का इरादा था लेकिन नहीं लगाया, इसकी जगह मैंने लगा दिया बाहर, जो बाहर बल्ब है वहाँ पे, उसके साथ इसका कनेक्शन कर दिया। और ये कंप्यूटर मेरे जो तीन कंप्यूटर हैं, और उसके बाद ये इतना सा इसमें काम किया। तो ये 4 रिले वाला है, आप इसको 8 रिले वाला भी बना सकते हैं, यानी कि 8 चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर ये आपने सीखना हो या कुछ खुद बनाना हो, तो यहाँ पे मेरे पास इसकी ड्राइंग्स पड़ी हुई हैं, आप मुझे बता दें, मैं आपको इन ड्राइंग्स दे दूंगा, और आप इस तरह से बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।